ਜੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ये देख लें जी बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है आपके सामने क्या आपने यार मैं डाइट पे हूँ मेरी मजबूरी है मैं तो थोड़ा सा टेस्ट करके पीछे हो गया ना ये थोड़ा सा खा रहे हैं हाँ ये देखो थोड़ा सा नजर थोड़ी देर पहले आपको ये थाले बड़े बड़ी नजर आ रही थी अब देख लें इनका क्या इन्होंने जनाजा निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, जे जे सी फूड की तरफ से आपका होस्ट जवाद जावेद चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आए हैं स्पेशल कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैतुल अरब मंडी। तो सुना है कि इनके पास नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि अरबी कुजीन है, इनके पास मंडी मजहबी वगैरह जो भी काफ़ी सारी आइटम हैं अरबी अरबी तो, खाने काफ़ी इनके मशहूर भी हैं और काफ़ी सुना भी है इनके बारे में। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया कि आएँ और इनका फूड ट्राई करते हैं हम, बट सादा आपको बताते हैं कि वाकई इनका टेस्ट जो है ना ऐसा है कि आप स्पेशल यहाँ पे आके खाएं। तो स्पेशल यहाँ पे खाने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये टेस्ट करके, तो इसीलिए आज मैं अपने साथ स्पेशल बिग मैन को लेके आया हूँ कि बिग मैन साथ होगा तो ज़रा वीडियो में जान आ जाएगी ना, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि बिग मैन किधर है, और मैं अपने साथ लेके आया हूँ, मैं अपने साथ नई बाइक को लेके आया हूं, नई बाइक को दिखा दे, ये छुपा टैलेंट हमने आपके सामने लाया है जी। ये बहुत कम आते हैं, आप शिकायत करते रहते हैं कि हम इन्हें नहीं लेके आते, ये खुद नहीं आते, तो बस टाइम ही नहीं है, ये आज का ठेकेदार बने और कैमरे के पीछे बिल्कुल आपके बिल्कुल पीछे मास्टर साहब खड़े हैं, वो भी आपको हम सभी मिलवाएंगे अंदर जाके मुलाकात करवाएंगे। जेजेसी फूड की तरफ से जो हम इधर आए हैं इनका नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छा इनका सेटअप है, बहुत शुक्रिया जवाद भाई का, बहुत अच्छा टेस्ट होगा, लेकिन इंशाल्लाह जो भी टेस्ट होगा हम आपको बताएंगे कि टेस्ट है कैसा जी। बिल्कुल, तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं खाना कैसा है, माहौल कैसा है, तो फिर आपको भी साथ दिखाते हैं, चलें। अच्छा अभी हम अंदर आ गए, माहौल तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, जिस तरह हम वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं कि अरबी कल्चर जिस तरह ऐसे ही है, ऐसे नीचे बैठे हुए हैं, अलग से कैबिन बने हुए हैं, तो काफ़ी बड़ा मेन्यू है इनका, बहुत सी आइटमें लिखी हुई हैं और अभी हम सोच रहे हैं कि इसमें से क्या दिया जाए। क्या कहते हो, क्या समझ नहीं आ रही यार, मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ, मतलब चिकन मंदी भी है, काफ़ी वास्ट वैरायटी भी है, मटन भी है, और इसके ये मंदी में भी सारा कुछ मौजूद है और प्लेटर में भी मौजूद है, बारबेक्यू प्लेटर में, तो मेरा दिल है मंदी की जाए, चिकन भी और मटन भी, हाँ दोनों टेस्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे फिर दोनों भी आ जाएंगे और फिर काफ़ी हो जाएगा। एक ये मीट लवर कर लेते हैं, ज़्यादा मीट होगा, और ये चिकन मंदी कर देते हैं, हाँ हम चार बंदे हैं तो दो पर्सन के लिए हम करेंगे मटन मंदी, दो पर्सन चिकन मंदी, फिर वो हम मटन खा लेंगे, ये चिकन खा, लड़ाई सही होगी तो फिर आप देखते जाएं चिकन और मटन के लिए हमारी लड़ाई कैसे होती है, तो अभी फिर आपको दिखाते हैं कि वो है कैसा, और टेस्ट भी करके हम आपको बताएंगे कि मज़े का भी आया, वैसे नाम बना हुआ सुना तो बहुत है, तो आज देखते हैं कि टेस्ट भी कैसा है, चलें अभी इंतज़ार करते हैं अपने ऑर्डर का। यार मैं ये कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि इस किस्म का एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर मौजूद है, जो प्रॉपर एक अरबी स्टाइल होता है, तो जवाद भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इधर मुझे लाया है, तो अभी इनका खाना वगैरह टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा तो काम ही यही है, बस सर्च करते रहे खाना कहाँ से मिले, ज़ाहिर है फिर आपको अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल से आपके नसीब में कुछ ज़्यादा ही रिज़्क लिखा हो, उस वसीले से हमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं, तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और ऐसे ऐसे अच्छे खाने जे जे सी फूड की तरफ से हमें स्पॉन्सर्ड करते रहें। नहीं आज का ये खाना तो स्पॉन्सर है नहीं भाई की तरफ, नहीं ये मैंने सुना नहीं है आपने क्या बोला, मुझे आज का खाना आपकी तरफ से स्पॉन्सर है, आवाज़ ये नहीं भाई की शादी की दावत है, यार ऐसी बातें ना करो, जो मुझे देख रहे हैं वो फिर बहुत शॉर्ट आउट करेंगे, मासूम साहब ये नहीं भाई की शादी की दावत है, ये बिल्कुल ठीक है, बर्बादी की है, नहीं नहीं ये जो शादी हुई है उसकी दावत है, अच्छा अच्छा आप ही आपने बताया, सही कहा है मैंने, क्या कहें, ये नहीं भाई की शादी की दावत है, स्पॉन्सर है नहीं भाई की तरफ से, ये सारा ब्रांड स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर नहीं है, और देखें आपके किसी पाकिस्तानी लोकल ब्रांड में हमें स्पॉन्सर नहीं मिला नहीं भाई की तरफ से, एक मल्टी नेशनल अरेबिक मंदी जो है थी हाउस ऑफ अरेबिक मंदी में हमें इन्विटेशन मिली है, बहुत अच्छा मौका है, एक मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी यार अरेबिक फूड खाने की, तो आज नहीं भाई ने हमारी आज हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, आई लव यू नहीं भाई, सटे पंजा सटे पंजा, तो
मैंने आप मैं मुझे समझ नहीं आ रही ना मैं आप क्या बोल रहे हैं। ये आप सबके सामने नहीं भाई शर्मा रहे हैं लेकिन ये इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। नहीं वो बाद में पता चला। लेकिन पे कुछ नजरें भी तो हैं ना कुछ बंदों की। आप शर्मा ना तो क्या कर रहे हैं, पता है कि ये वीडियो कुछ ऐसे बंदे भी देखेंगे जिनके सामने नेम पे खुल के कुछ कह नहीं सकते। मतलब समझ जाए आप हमारा खाना आ गया है। अच्छा ये देखें हमारा बातों बात मैंने देखा है उधर से बड़ी एक लंबी किस्म की मटन की बोटी आ रही है। जबरदस्त चाहिए। ये मटन मंदी होगी, ये होगी चिकन। चिकन उसमें हाफ हमारे पास चिकन है और 2% राइस है और इसमें भी तकरीबन 1 kg है। ये मटन है। हाँ ये भी 2% वाली है ना, 4% वाली है। 2% लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मीट हमने डलवाया है। मीट लवर वाला है। अच्छा जी ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा तो पहले कौन से ट्राई करें? मटन। मटन ये है वो ये मटन ये इशारा किया ना तो नहीं, है। नहीं इसका तरीका ही असल हाथ से और ये इसके साथ इन्होंने टमाटर की एक चटनी होती है ये भी मिक्स स्टाइल में नज़र आ रही है। तो बिग मैन इसमें ला करते हैं। नहीं भाई थोड़ा सा मीट तोड़ते हैं। वैसे मीट बहुत सॉफ्ट टाइप का लग रहा है और देखिए बड़ी आसानी से ये मटन मीट टूट रहा है। पहले मेरे ख्याल से सिर्फ मीट का टेस्ट चेक करता हूं। सही है। बहुत मज़े का मीट, जबरदस्त और अभी करते हैं चावल के साथ। मीट बड़ा नरम और मुलायम है बिल्कुल। थोड़ी सी डाली है चटनी। थोड़ा सा मीट हो, मीट के बगैर तो चस नहीं आती। लेकिन ये चटनी मैंने सुना है बहुत मज़े की होती है। नहीं नहीं रिस्क नहीं लिया, बहुत स्पाइसी नहीं है। नहीं 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 अरबी की जो डिशेज होती हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। हाँ बहुत मज़े की है यार। बाकी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी डिश मैंने पहले कभी नहीं खाई। तो इंशाल्लाह आप खाते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर। और मज़े की बात कि मीट जब हमने लिया तो उसकी बाइट लिया तो उसका एक अपना टेस्ट था, लेकिन जब चटनी डिप की है ना तो वो जो कॉम्बिनेशन आया ना इट वाज अमेजिंग। बहुत मज़े का चावल है जो इनके स्पाइसी नहीं है बिल्कुल, समझे जैसे लाइट सप्ला होता है। वाइट चावल में इन्होंने कलर वगैरह डाल के उनका रंग चेंज किया हुआ है। बाकी जो है ना असल जो टेस्ट है वो मीट का और ये जो केचप है इसके चटनी चटनी है जैसे इनकी लुक लाइक है इसी तरह इनका बहुत ज़बरदस्त। मारू साहब देख रहे हैं कि हम मटन ख़त्म कर देंगे ज़्यादा, अभी हम चिकन ट्राई करते हैं। ठीक है खुशबू आ रही है मासू साहब, खुशबू आ रही है, वो तो आ रही है। ये मासू साहब की तरफ नहीं ज़्यादा ही चला गया, वापस आ जाएगा, कौन सी देर लगती है। अच्छा अभी चिकन ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रही है, जूसी जूसी सब। स्टीम होने की वजह से ना ये इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तोड़ने में खाने में बहुत आसान है। अभी जो मैंने देखे हैं वो तो ये इतना इतना वो गोला बना लेते हैं मीट का सारा अंदर चावल पूरा ऐसे जोड़ के गोला बना के पूरा रसगुल्ला। अगर उनको खा खा के तजर्बा होता है ना हमें भी हो जाएगा। काफ़ी करते हैं थोड़ा सा, हमने छोटी सी गोली ले ली है ये नहीं खाते। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है चिकन का, एक अपना मज़ा है। चिकन मुझे थोड़ा सा फ्राइड भी लग रहा है, मौसम का स्टीम के बाद फ्राई है। पहले फ्राई तक क्या गुजरी क्या इनकी रेसिपी सर्च करें आप, एक रेसिपी भी डाल दें ना फ्रेंड के लिए। रेसिपी ये इंशाल्लाह मैं ये मेरी रिकमेंडेशन पे लेके आए आप। सर रेसिपी जो है ना ये बहुत मज़े का चिकन है जी इनका, बहुत मज़े का चिकन। इस रेसिपी पे हमें भी याद करेंगे या अकेले के लिए बनाएंगे? नहीं ज़रूर याद इंशाल्लाह याद करेंगे, आपको भी याद। हमेशा नाजरीन ही अकेले रेसिपी बना के खा जाते हैं। इस दफ़ा ऐसा नहीं, नहीं ये हमेशा तो नहीं है, 2-3 बार तो हमने भी आउटिंग पे इन्होंने अपनी कुकिंग स्किल्स हमें भी दिखाई हुई हैं। अभी
पहले मास्टर साहब से भी मेरे ख्याल से टेस्ट चेक करवा लेना चाहिए। सबर कर रहा है बेचारे का हक बनता है यार, कितनी देर से पकड़ के खड़ा है। बिस्मिल्लाह साहब, आप तो मेरे ख्याल से चिकन ही खाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये पसंद करता था। बटर वैसे नहीं पसंद आपको? नहीं नहीं पसंद है जनाब, क्यों नहीं पसंद है जनाब, बटर पसंद है। नहीं मैंने सुना था आपका कोई यूरिक एसिड का मसला है। ये मेरे पीस पे क्या, ये तुम्हारा पीस है ये वाला जो दांतों में अटक जाता है वो उधर नहीं भाई खा रहे थे। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है। युवा साहब आप अच्छी जगह लेकर आए, वो आपने रायता चटनी जो है इनके साथ लगाई, चटनी ऊपर लगाए मज़ा फिर आएगा। वो भी चेक कर लेते हैं, कोई नहीं स्पाइसी, खुले दिल से डाले बस ठीक है। चटनी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है चटनी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी और लाजमी आप ही आएँ पिंडी में। आप दीघा माल से थोड़ा सा आगे हैं तो लेफ्ट साइड पे ये जो बैरियर टाउन का ये कौन सा फेज है, मैं ख्याल से 679 आई थी, 6 गेट है इसका। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पर आप तो पिंडी आते वक्त जो बैरियर टाउन का गेट आता है उसके बिल्कुल साथ है, तहजीब बेकर ने यार ये पीडब्ल्यूडी तहजीब बेकर के साथ, बल्कि आप उस पर लगा लें सियाने पे, सियाना सियाना आपको यहाँ पे ले जाएगा। तो लाजमी ट्राई करें ये जी, बहुत मज़े की चीज़ है, वाकई मज़े की है। अगर मज़े की ना हो तो पैसे हमसे ले लें। पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो एक ट्रेंड है उससे हट के बहुत मज़े की डिश है। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें और आपका प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आगे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।